नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। माचिस जैसी मामूली चीज के लिए शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष तक पहुंचा। यह मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के मझगवां थाना क्षेत्र के बरेल गांव का है, जहां पर माचिस जैसी मामूली चीज के लेन देन को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि मामला बढ़ने के बाद 4-5 लोगों ने लाठी डंडे से एक वृद्ध व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मझगवां थाने में तैनात होमगार्ड ने भी वृद्ध की पिटाई की और उसे लहूलुहान कर दिया। होमगार्ड द्वारा वृद्ध को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस इसकी जांच कर रही है। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से हमारे रिपोर्टर विकास रावत की यह रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। एक होमगार्ड द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है? बरेल में एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, उसको हमने देखा है। ऐसे मुकदमा पंजीकृत हो गया है और उसमें 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लगाई, 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, कार्रवाई की जा रही है, अभियोग पंजीकृत हो गया। कहाँ के निवासी? बरेल के। क्या घटना हो गया? घटना लड़ाई झगड़ा। किसने मारपीट? रामस्वरूप मोतीलाल अरविंद। कहाँ के निवासी है वो? बरेल के। क्यों मारपीट किया आपके साथ? थोड़ी सी बात है, वो 2 माचिस ले थे, 1 माचिस हमने रख दिए, अपने काम में लगा लिया, हमने की ये फिर आ जाएगी काम में हमारे। फिर वो आगे चढ़ के मार दिए, कुल्हाड़ी मारी, चलाई, हमारा हाथ काट दिया। इसके बाद हमने हमारे बहुत मारा है। कितने लोगों ने मारपीट की? 6 आदमी और 7 थे, औरतें थी 3, 9 आदमी थे। कोई पारिवारिक झगड़ा था क्या? हाँ, बहुत से आदमी है वहाँ पे, देखने वाले भी बताने वाले भी मिलेंगे आपको भाई, और मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है। इस संबंध में आपने क्या मझगवां थाने में कोई प्रार्थना पत्र दिया? कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं बोला, हमको तो 112 नंबर उठा के ले आई, और जो वो कर रहे हैं हमको कोई पता नहीं।